चलिए सेकंड केस पे बात करते हैं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड क्या है कि जो तुम्हारा सॉलिड था तुमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, मतलब कि तुमने सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग की और जो तुम्हारा सॉलिड था वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, राइट। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक तुम्हारा आइस है, राइट, और उसका टेम्परेचर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस, या तुम इसका मान लो इसका टेम्परेचर TC है, ठीक है। तुमने उसको पानी में डिसॉल्व किया, राइट, इसका टेम्परेचर मान लो कि TH है। तो तुम्हें पता है कि जो आइस है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो इस केस के लिए अलग केस पड़ा जाता है। अब होगा क्या कि तुम्हारे पास इस तरीके से एक कंटेनर होगा, राइट, और जब कंटेनर होगा तो उसमें पानी प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, और हमेशा पानी का जो टेम्परेचर होगा वो आइस से ज़्यादा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही तुम इसमें आइस डालोगे तो ये डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, और जब डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा कुछ टेम्परेचर पानी का होगा टी फाइन, कुछ टेम्परेचर, लेट सपोज कि TH इस पानी का टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर TC था, तो कहीं ना कहीं बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, और वो भी कहाँ पर रुकेगा, टी फाइनल पर आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इस केस में भी सेम लगना है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इज इक्वल टू क्या लगेगा, हीट गेन का कंसेप्ट। अब मुझे बताओ हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, पानी, हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, पानी, हीट गेन कौन कर रहा है, आइस, राइट और रॉन्ग, अरे राइट और रॉन्ग। लेट्स सपोज मैं तुम्हें बोलता हूं कि M1 अमाउंट है आइस का और M2 अमाउंट है पानी का, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद तुमसे पूछ रहा है कि क्या एंट्रोपी होगी पानी की और क्या एंट्रोपी होगी आइस की और क्या एंट्रोपी होगी टोटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को ऐसे सेपरेट आउट करके, बिल्कुल स्टेप वाइज अलग अलग केस पढ़ाना, तो ध्यान से सुनते रहो, हर चीज लिखोगे तो क्वेश्चन खुद बे खुद हो जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट। तो जब तुम्हारी हीट लॉस्ट होगी, पानी तुम्हारी हीट लॉस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के डेल्टा H, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के डेल्टा H। अब हीट लॉस्ट हो रही है तो पानी के लिए, पानी के लिए क्या लिखोगे बोलो, पानी के लिए लेट सपोज क्या लिख दोगे, माइनस के मोल में डील कर लो या इसमें डील कर लो कि M1 अमाउंट है, M2 अमाउंट है ना वाटर का, M2 इंटू CP टी फाइनल माइनस के TH, भाई इतना ही तो होगा, डेल्टा H जो इससे लॉस्ट होगा इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा आइस है, ये भैया सॉलिड में है, अब जब ये सॉलिड में है पहले तो सॉलिड से लिक्विड में आएगा, मतलब फेस चेंज करेगा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और तुम्हें पता है कि जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए डेल्टा H कितनी होगी, डेल्टा H फ्यूजन होगी कि नहीं होगी, और कितने अमाउंट की होगी, M1 अमाउंट की, अरे इतना ही तो अमाउंट है, आइस है M1 अमाउंट दे रखा है, हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल में होती है, M1 अमाउंट के लिए कितनी होगी, M1 इंटू डेल्टा H फ्यूजन प्लस के। अब पानी तुम्हारा आइस में कन्वर्ट हो चुका है, भाई दो प्रोसेस हो गए ना, तुम ना ऐसे ना मेरी तरह पांख पाड़ के मत देखो, आइस है पहले सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, पानी में होगा कि नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, डेल्टा H फ्यूजन चाहिए, फिर जो ये लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, फिर ये लिक्विड टेम्परेचर TH तक अप्रोच करेगा, तभी तो पहुंचेगा, अदरवाइज क्यों पहुंचेगा, राइट। तो डेल्टा H फ्यूजन प्लस के कितना हो जाएगा, M1 CP1 टी फाइनल माइनस के TC, क्लियर है पॉइंट, बस कुछ नहीं करना, इन्हीं चीज़ों को अरेंज करना है। अब टी फाइनल निकालना है, टी फाइनल कैसे निकालोगे बोलो बोलो, सारी कहानी सेम आ जाएगी, बस ये जो फैक्टर है ये अलग आएगा, तो देखो टी फाइनल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, खुद अरेंज कर लेना, हमारे पास टी फाइनल कितना आया था, टी फाइनल इक्वल टू आया था
जब इनको अरेंज करोगे, देखो ध्यान से, टी फाइनल आया था एन वन सी पी वन टी सी प्लस के एन टू सी पी टी टू टी एच अपॉन में कितना आया था एन वन सी पी वन प्लस के एन टू सी पी टू, यही तो आया था, आया था कि नहीं आया था। और जब तुम इस फैक्टर को अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद प्लस के डेल्टा एच फ्यूजन भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये माइनस आएगा कि प्लस, ये तो मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, मैं भी करना नहीं चाह रहा, आलकस में आ गया हूँ रे। रुको 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 एक मिनट, वो क्यों मेहनत करा रहे हो डिराइव करा के। चलो कुछ नहीं, खुद ही कर लेना, देखो कुछ नहीं करना, कर मैं भी नहीं रहा हूँ। देखो यहाँ से टी फाइनल निकाल लोगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम्हें गिवन होगा, डेल्टा एच फ्यूजन भी तुम्हें गिवन होगा। टी एफ यहाँ से अरेंज करके निकाल लेना, टी एफ निकालने के बाद फिर क्या करोगे, एंट्रोपी निकालनी। तो एंट्रोपी अगर तुमसे वाटर की एंट्रोपी पूछ ले कि H2O की या हॉट बॉडी, दोनों बोल सकता है कि H2O की हॉट बॉडी कितना हो सकता है। देखो प्लस के वाटर के लिए हमने कितना माना था, M2 माना था, M2 CP2 LN टी फाइनल अपॉन में जो वाटर का टेम्परेचर होगा नीचे आ जाएगा TH। और जब तुमसे एंट्रोपी आइस की पूछ ले चेंज, तो उसके लिए जानते हो क्या आएगी, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन में जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस 273। क्लियर है पॉइंट, अरे क्लियर है कि पॉइंट 273। प्लस के M1 CP1 LN टी फाइनल और टी इनिशियल कितना होगा, अरे TC कितना हो सकता है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस ही तो हो सकता है इसका, कितना हो जाएगा 273। वो तुम देख लेना, मैं पानी को 0 डिग्री, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चल रहा हूँ, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि या तो बोल दे माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी बोल दे। तो तुम्हारी वाटर के लिए ये होगी हॉट के लिए एंट्रोपी, और आइस के लिए ये होगी। सारे केस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखना। पहले वाले में, पहले केस फर्स्ट में जो उसमें एंट्रोपी निकाली थी, वहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे कोई फेस ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं था। फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सेकंड केस में, और जिसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एच फ्यूजन आएगा ही आएगा। अमाउंट की मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, जो अमाउंट तुम्हें दे रखा है ग्राम में दे रखा है ग्राम में लिख दो। CPM हमेशा देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कंसेप्ट है CPM, CPM क्या होता है, जूल पर केल्विन पर ग्राम, या फिर क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। हमेशा क्वेश्चन को इजी करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पे जो मोल देगा, अगर मोल देता है तो तुम्हें ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर तुम्हें मास देता है तो तुम्हें एंट्रोपी ये गिवन होगी। तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, मोल दे रखा है तो मोल पुट कर दो, मास दे रखा है तो मास पुट कर दो, और ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो कि कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर उसने मास दे रखा है और CPM भी ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में ही मास को पुट कर दो, अगर उसने CPM मोल में दे रखा है तो तुम्हें यहाँ पे मोल में पुट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज कर लेना। तो ये तुम्हारे कितने होंगे, केस सेकेंड हो गया। अब आता है तुम्हारा केस ऑफ मिक्सिंग का, क्वेश्चन लगाओ इनके आराम से, असाइनमेंट मिल जाएगा, टेस्ट वेस्ट लगाओ, बुकलेट तुम्हारे पास है ही, क्वेश्चन लगाओ, डिस्कस करो, आराम से होंगे, टेंशन नहीं लेने का। आइए अब पढ़ते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, केस नंबर 3।
एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस. देखो इस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस में दो केस पढ़ने हैं. एक तो हो गया तुम्हारा आइडियल केस कि आइडियल मिक्सिंग करा रहे हो तुम गैस की, आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैस. और एक होता है बी नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैस. ठीक है देखो आइडियल मिक्सिंग और नॉन आइडियल मिक्सिंग में पहले डिफरेंस समझ लो है क्या. लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक गैस थी, ये मान लो कि एक कंटेनर है ए, एक गैस है ए जिसका वॉल्यूम है 15 ml और दूसरी गैस है बी उसका वॉल्यूम है 20 ml. तुमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें 15 ml प्लस 20 ml और ए प्लस बी मिक्सर मिला. अगर तुम्हें इसका डेल्टा वी मिक्सर, अगर तुम्हें इसका डेल्टा वी मिक्सर एग्जैक्ट 20 प्लस के 15 35 ml मिलता है तो ये तुम्हारी क्या है आइडियल गैस है. क्योंकि आइडियल गैस में क्या देखा जाता है फाइनल माइनस के इनिशियल. अगर तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम दोनों का मिला के 35 था और फाइनल आफ्टर मिक्सिंग भी 35 ही आ रहा है तो उसको बोलते हैं आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैस, आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैस. और अगर तुम्हारा वॉल्यूम ग्रेटर देन 35 ml आ जाए या तुम्हारा वॉल्यूम लेस देन 35 ml आ जाए इसको बोला जाता है नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैस. पॉइंट क्लियर है कि नहीं, इसको बोला जाता है नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैस. अब देखो हमें पढ़ना केस किसका है, सिर्फ आइडियल मिक्सिंग का, क्योंकि नॉन आइडियल मिक्सिंग के केस मैंने तुम्हें पहला ही हो जाएगा जिसमें मैंने फेज बताया था ना वो सारा का सारा नॉन आइडियल था. आइडियल मिक्सिंग के गैस में अब तुमने ध्यान से देखा कि जो तुम्हारा डेल्टा वी मिक्सर होगा वो भी इक्वल टू जीरो होगा, जो तुम्हारा डेल्टा एच मिक्सर होता है वो भी इक्वल टू जीरो होता है, जो तुम्हारा डेल्टा यू मिक्सर होता है वो भी इक्वल टू जीरो होता है. अब तुम कहोगे कि सर डेल्टा वी मिक्सिंग तो हमारी समझ में आ गई कि तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम सेम था तो हमने जीरो कर दिया, लेकिन ये दोनों जीरो क्यों गई. देखो जब कभी भी तुम किसी गैस को मिक्स करते हो दूसरी गैस में तो तुम्हें इन वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. जब आइडियल मिक्सिंग करोगे तो तुम्हारा टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं. मतलब मैं सिंपल सा कहूं कि आइडियल मिक्सिंग तुम गैस की कर रहे हो तो वो आइसोथर्मली एंड आइसोबैरिकली होगी कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वे दोनों के दोनों कांस्टेंट है. और जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो तुम्हारी डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो हो गई, तुम्हारी डेल्टा यू मिक्सिंग भी जीरो हो चुकी है. अब दो चीज बचती है कि डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी. तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो होगी क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा और तुम्हारी डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी. पॉइंट क्लियर है कि नहीं है. तो आइडियल मिक्सिंग के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो होगी और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी. राइट इतना पॉइंट क्लियर है. आइडियल मिक्सिंग हो रही है तो आइडियल मिक्सिंग में जो तुम्हारी गैस है कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रही. कोई भी केमिकल रिएक्शन, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, कुछ नहीं हो रहा है. सिंपल सी आइडियल मिक्सिंग है. जब आइडियल मिक्सिंग बोल रहे हो तो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसी के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, किसी कोई मतलब नहीं है, सिंपल आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं बस. तो वहाँ पे तुम्हारी एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं. तो इस डेल्टा एस मिक्सिंग जो आती है वो इक्वल टू आती है समीशन ऑफ, देखो ध्यान से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारी जो डेल्टा एस मिक्सिंग आती है गैस के लिए वो होती है माइनस के आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई. ध्यान से सुन लो मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारी मिक्सिंग ऑफ आइडियल मिक्सिंग गैस आती है इक्वल टू होता है माइनस के आर समीशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई. आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कितनी भी हो सकती है. अब देखो इसमें जो एक्स आई है ये है एक मोल फ्रैक्शन. ये क्या है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल ऑफ
गैस इन मिक्सचर, या मैं कहूं मोल ऑफ गैस इन मिक्सचर अपॉन में टोटल मोल. लेट्स सपोज कि अगर तुम्हारे पास गैस है एन ए और एन बी, दो मोल एन ए मोल एन बी मोल है, और मैं तुमसे एक्स ए पूछ रहा हूं, तो एक्स ए कितना होगा एन ए अपॉन में एन बी, राइट. अगर मैं तुमसे एक्स बी पूछ रहा हूं, तो एक्स बी कितना होगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस के एन बी. पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो जो तुम्हारी गैस होती है डेल्टा एस मिक्सिंग कितना होता है, माइनस के आर आई की वैल्यू 1 से एन एन आई एल एन एक्स आई. अब देखो ध्यान से, ये चीज ध्यान रखना, आइडियल मिक्सिंग में सारी की सारी चीज जीरो होती है. क्वेश्चन आ रखा है यहां से भी, चलिए अब देखिए. केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि हम क्या ले रहे हैं, दो गैस ले रहे हैं, हम सिंपल सी क्या कर रहे हैं, दो गैस को मिक्स कर रहे हैं. अगर दो गैस को मिक्स कर रहे हैं, लेट सपोज एक का मोल है ए, एक का है बी, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद बन गया एन ए प्लस के एन बी, तो तुम्हारा डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? देखो डेल्टा एस मिक्सिंग कितना होगा, माइनस के आर एन ए एल एन एन ए अपॉन में एन ए प्लस के एन बी प्लस के एन बी एल एन एन बी अपॉन में एन ए प्लस के एन बी. पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से सुन लो, यहाँ पे वैल्यू एल एन में है. अगर यहाँ पे वैल्यू लॉग में लिख दूँ, डेल्टा एस मिक्सिंग लॉग में लिख दूँ, तो माइनस के 2.303 आर आ जाएगा इनटू एन ए लॉग एक्स ए प्लस के एन बी लॉग एक्स बी हो जाएगा. क्लियर है कि पॉइंट नहीं है? अब तुम कहोगे कि सर एंट्रोपी आपने तो बताई थी कि एंट्रोपी तो मिक्सिंग के लिए पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन आपने तो पहली बार नेगेटिव साइन लगा दिया. क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, एन ए अपॉन में एन बी नीचे जो है लार्ज वैल्यू है, और लॉग में ऊपर स्मॉल वैल्यू है. तो जो ये लॉग की टर्म आएगी ना, ओवरऑल अंदर जो लॉग की टर्म आएगी एक्स ए एक्स बी, ये नेगेटिव आएगी. और जब नेगेटिव आएगी तो इनको पॉजिटिव करेगा कौन, बाहर वाला नेगेटिव. तो यहाँ से हमेशा जो वैल्यू लॉग से निकल के आती है वो नेगेटिव आती है, क्योंकि नीचे मोल जो है वो टोटल मोल है और उसका अमाउंट ज़्यादा है. जैसे ही लॉग में तुम वैल्यू को डिक्रीज करोगे, वैल्यू नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाती है. लॉग में जैसे वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करोगे, वैल्यू पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है. क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन आता है. तो तुम्हारी डेल्टा एस मिक्सिंग कितनी हो गई? ऐसे ही बस कुछ नहीं, ऐसे ही अगर तुम्हारे पास तीन मिक्स ऑफ गैस दे रखा है बी, अगर तीन गैस दे रखी है तुम्हें, तीन गैस को मिक्स कर रहे हैं, जैसे H2 को N2 को O2 को मिक्स कर रहे हैं, इसका मोल है N1, इसका मोल है N2, इसका मोल है N3, तो क्या हो जाएगा, X1 निकालोगे, X2 निकालोगे, X3, क्योंकि समीशन है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, N1 अपॉन में N टोटल हो जाएगा, यहाँ पे N2 अपॉन में N टोटल हो जाएगा, यहाँ पे N3 अपॉन में N टोटल हो जाएगा. बस ये सिंपल सी मिक्सर ऑफ गैस का है. समझे कि नहीं समझे? मिक्सर ऑफ गैस निकाल लोगे, बहुत इजी है. यहाँ तक तुम चीज़ें निकाल लोगे, लेकिन फंसोगे कहाँ, यूनिट में. तुम फंसोगे कहाँ, यूनिट में. ये लिख लेना अच्छे से. चलिए अब मैं बताता हूँ कि यूनिट में तुम कैसे फंसोगे. यूनिट में तुम कैसे फंसोगे, क्वेश्चन हमेशा दो तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है. एंट्रोपी में मोल बोल सब कुछ तुम्हें गिवन होंगे, एवरीथिंग वॉज गिवन, वाज नहीं आएगा बे, विल आएगा. देखो ध्यान से, सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, फंसोगे कहां, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा. कि तुमसे पूछ सकता है कि डेल्टा एस मिक्सिंग फाइंड आउट करो जूल में, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी कि डेल्टा एस मिक्सिंग फाइंड आउट करो जूल पर मोल में. अब देखो दोनों चीज तो डिफरेंट है, एक जूल में पूछ रहा है एक मोल में, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या, कि डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू होता है माइनस के आर समीशन एन आई एल एन एक्स आई, राइट. जो आर की वैल्यू होती है, आर की जो यूनिट होती है क्या होती है बोलो, आर की जो यूनिट होती है, अरे जूल पर केल्विन आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल. अगर तुमसे दो तरीके से आंसर पूछ सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल या जूल पर केल्विन में, आर की वैल्यू क्या होती है,
आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, राइट होती है कि नहीं, इनटू ये मोल गिवन हुआ है, ये मोल ही तो है, इनटू मोल होगा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मोल होते हैं नीचे भी मोल होते हैं। अब मोल से मोल कट गया और तुम्हारी डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू आ गई जूल पर केल्विन में, राइट। तो ध्यान रखो जब कभी भी तुमसे डेल्टा एस मिक्सिंग जूल पर केल्विन में पूछ रहा है तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डेल पर केल्विन का मतलब है कि वो तुमसे टोटल एंट्रोपी मिक्सिंग पूछ रहा है, टोटल एंट्रोपी मिक्सिंग पूछ रहा है, और इस किलो जूल जूल पर केल्विन पर मोल का मतलब है कि वो तुमसे ओनली वन मोल के लिए पूछ रहा है, तुमसे केवल वन मोल के लिए एंट्रोपी मिक्सिंग पूछ रहा है। दो तरीके हैं कि या तो तुम टोटल डेल्टा एस एंट्रोपी निकाल दो, सारे मोल को ऐड कर दो और उस एंट्रोपी को मोल से डिवाइड कर दो तब निकाल दोगे, वरना जाने क्यों है इतने बड़े लंबे तरीके से। देखो ध्यान से, ये मोल है, यहाँ पे मोल, मोल से मोल कट गया तो तब तुम्हारा जूल पर केल्विन आया। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दूं कि डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस के आर समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई, तो अब तुम्हारी यूनिट किस में आ जाएगी, बोलो तुम्हारी यूनिट किस में आ जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल में आ जाएगी। तो ध्यान रखना जब कभी क्वेश्चन में तुमसे एंट्रोपी जूल पर केल्विन पर मोल में पूछे तो यहाँ पे एल एन आई एक्स आई लगाना है, और जब तुमसे खाली जूल पर केल्विन में पूछे तब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, बस ऐसे ही हो जाएगा एक आंसर, और क्या चाहिए इसमें तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारा एंट्रोपी है, चलो इतनी चीजें तुम्हें बता दी तो एक क्वेश्चन ही कर दो, तुम कर दोगे, चलो करो एक क्वेश्चन। जहां पे तुम मिस्टेक करोगे वो मुझे पता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि तुम्हारे पास H2 N2 O2, इसका एक मोल दे रखा है, इसका एक मोल दे रखा है, इसका एक दो मोल दे रखे हैं, ठीक है, ये मोल है। बताओ व्हाट इज द टोटल एंट्रोपी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर टू कि तुम्हारे पास N2 टू मोल थी और उसको मिक्स किया गया N2 थ्री मोल में, बताइए डेल्टा एस मिक्सिंग कितनी होगी। चलिए देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग कितनी होगी, माइनस के आर बाहर आ जाएगा। जब तुमसे डेल्टा एस मिक्सिंग ना पूछे हो तो देखो NAT में क्वेश्चन आते ऐसे, तो आगे ऐसे लिखा होता है कि जूल पर केल्विन में निकालो, या सामने ऐसे लिखा होगा जूल पर केल्विन पर मोल में निकालो, ठीक है। तो मैं जूल पर केल्विन में निकाल रहा हूँ, तो माइनस के आर, ठीक है, N2 के लिए कितना हो जाएगा 1, LN 1 बाई कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2/4, राइट, इज इक्वल टू माइनस के आर। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, माइनस के LN 4 लिख सकता हूँ, इसको भी माइनस के LN 4 कर सकता हूँ, पलट दूंगा तो इसको भी कितना लिख सकता हूँ, माइनस 2 कट जाएगा, माइनस के 2 LN 2 लिख सकता हूँ। अब देखो इक्वल टू माइनस के R, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 2 LN 2 कर सकता हूँ, माइनस के 2 LN 2 कर सकता हूँ, माइनस के 2 LN 2 कर सकता हूँ कि नहीं, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाहर पॉजिटिव है तो प्लस के 6 R LN 2 तुम्हारा आंसर होगा, राइट। अगर लोग में निकाल देना है तो लो 6 × 8.314 × 2.303 × log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, निकाल देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा जूल पर केल्विन में। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्लियर है, इस तरीके की क्वेश्चन होगी, टेंशन मत लेना, या तो जूल पर केल्विन में यहाँ पे एक्स भरना है या जूल पर केल्विन पर मोल में,
जूल पर केल्विन पूछा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, अगर जूल पर केल्विन पर मोल पूछना है तो आगे भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आओ कैसे किया, तो इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला लगाया होगा। अरे सिंपल फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया, तो डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के आर समीशन का ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 ln 2/5 राइट, प्लस के 3 ln 3/5। यही तो किया है, बोलो किया है कि नहीं किया है। और फिर तुमने क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस के आर, तो कैसे करोगे 2 ln 2 - k 2 ln 5, ये सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर निकाला होगा। और तुमने जो भी निकाला है वो गलत है, काटो उसको। तुमने जो भी आंसर निकाला है इस फॉर्मूले का यूज करके वो गलत है। क्या देख क्या रहे हो, गलत है, काटो उसको। क्योंकि इसके लिए जो तुम्हारा डेल्टा एस मिक्सिंग आएगा विल बी इक्वल टू होगा 0। अगर जिस बच्चे का 0 आ रहा है तो वो सही है, अगर जिसका 0 नहीं आ रहा या 1 भी आ रहा है ना वो भी गलत है, काटो। देखो याद करो, मैंने तुम्हें जब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी इस तरीके से मिक्सिंग हो गई, और मिक्सिंग में जब भी तुम कोई मोल निकालोगे, एक्स ए निकालोगे, तो तुम क्या देखोगे, मोल ऑफ ए इन मिक्सचर अपॉन में टोटल मोल, राइट और रॉन्ग। अब एक बात बताओ, उसने 2 mol N2 को 3 mol N2 में मिक्स कर दिया, अगर मैं मोल ऑफ N2 निकालूंगा तो कितना आएगा, टोटल मोल कितने होंगे मिक्सचर में N2 के, 5। अरे मोल कितने हैं, टोटल मोल ऑफ N2 इन मिक्सचर 5, और टोटल मोल भी कितने हैं 5, 5 से 5 कट गया, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ गया 1, और ln 1 इक्वल टू कितना होता है 0, तो ओवरऑल तुम्हारी एंट्रोपी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसी को बोला जाता है गिब्स पैराडॉक्स। क्या बोला जाता है, गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर तुम सेम गैस को सेम गैस में मिक्स करोगे, या मैं कहूं कि तुम डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम गैस को मिक्स करोगे, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा एंट्रोपी में। ध्यान रखना, जब कभी भी तुम्हारे पास सेम टाइप की गैस का मिक्सचर किया गया है, लाइक सपोज कि तुम्हें बोल दिया गया कर रहे हैं इसकी 10 ग्राम H2 है, ये तुम्हारी H2 है, इसको 30 ग्राम H2 है मिक्स किया गया है, एंट्रोपी फाइंड करो, तो ध्यान रखना डेल्टा एस मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमेशा जब कभी भी एंट्रोपी मिक्सचर निकलेगा तो तुम्हारे पास डिफरेंट गैस होनी चाहिए, डिफरेंट गैस का मिक्सचर होना चाहिए, तभी तुम्हारी डेल्टा एस मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, तभी तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी को बोला गया था गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स यही था। गिब्स पैराडॉक्स क्या कहता था कि जब तुम डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस को और डिफरेंट गैस को ऐड करोगे तभी तुम्हारी एंट्रोपी चेंज होगी, अगर तुम डिफरेंट अमाउंट की गैस को और सेम गैस को मिक्स करोगे तब तुम्हारी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही कोई प्रोसेस होगा, उस केस में तुम्हारी एंट्रोपी 0 आ जाएगी। मैंने दोनों तरीके से तुम्हें बता दिया, सिंपल है। अब सेकेंड चीज आती है डेल्टा जी मिक्सिंग, कि तुम डेल्टा जी मिक्सिंग कैसे डिटरमाइन करोगे। देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस होता है। अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस के टी डेल्टा एस मिक्सिंग, राइट और रॉन्ग। आइडियल केस के लिए तुम्हें पता है डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, तो तुम्हारे पास डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस के टी डेल्टा एस मिक्सिंग आ चुका है, राइट और रॉन्ग। तो तुम्हारे पास जो डेल्टा जी मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा आर टी समीशन एन आई एल एन एक्स आई। बस जो तुम्हारा एंट्रोपी का फॉर्मूला था मिक्सचर में उसको क्या कर दोगे, प्लस करके लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव, एंट्रोपी के लिए कितना होता था माइनस के आर समीशन एन आई एल एन के एक्स आई, तो तुम्हारी एंट्रोपी के बार कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा,
पॉजिटिव साइंस आते क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब आइडल मिक्सिंग होगी तो डेल जी मिक्सिंग तुम्हारी लेस देन जीरो होगी और तुम्हारी जो डेल्टा एस मिक्सिंग होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो तभी आ सकता है जब बाहर पॉजिटिव साइन हो, क्योंकि एल एन एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब इसमें भी कहानी सेम है जैसे यूनिट कन्वर्जन में बताया था कि डेल्टा जी मिक्सिंग भी दोनों चीज में पूछ सकता है। अरे डेल्टा जी मिक्सिंग भी दोनों चीज में, या तो तुमसे पूछ लेगा जूल में या तुमसे पूछ लेगा जूल पर मोल में। तो सेम फॉर्मूला है, अगर जूल में पूछ रहा है तो यहाँ पे समीशन एन आई एल एन एक्स आई आएगा, अगर तुमसे पर मोल में पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्स आई एल एन एक्स आई आएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो बस एंट्रोपी से अगर तुमसे क्वेश्चन आया तो इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाएगा। जितने भी मैंने केस पढ़ाए हैं इन्हीं सारे केसों में से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक केस को स्टेप वाइज बताया। सबसे इंपॉर्टेंट ये मिक्सिंग वाला आजकल बहुत उसमें चल रहा है, तो मिक्सिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के अमाउंट की फॉर्म में। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में होगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की तो बस तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्लियर है पॉइंट? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो एंट्रोपी के इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाएंगे। सब यूनिट सब कुछ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरीथिंग। बस तुम्हें अब क्वेश्चन में इन चीज़ों को अप्लाई करना है, और अप्लाई करना तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए जब तुम्हें सारी चीज़ें इतने ओपनली और इतने क्लियरिटी व्यू में मैंने तुम्हें दी है। एक एक चीज़ बिल्कुल साफ बताई है और एज इट इज़ तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे ही लगाना है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो तुमसे ना हिले, हर एक क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, समझे? तो एंट्रोपी में मिक्सिंग ऑफ गैस के बाद इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं एंट्रोपी के बेसिस पे, ठीक है? देखो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब मैक्सवेल बॉक्स बताया था तो तुम्हें जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तभी तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। और ds इज इक्वल टू होता है dq बाई टी। तो क्लेसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन क्या कहती है कि एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू dq बाई dt, या मैं लिख सकता हूँ ds माइनस के dq बाई dt ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस होने के लिए एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी में। अब देखिए, अब मैं तुमसे दो प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज पूछ रहा हूँ। लेट सपोज कि एक तुम्हारे पास रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और एक तुम्हारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वो सुन लो, नॉन आइडियल मिक्सिंग के लिए केस जो पहला केस नहीं पढ़ाया था मैंने, फेज सेम और वेरिएबल डिफरेंट, वेरिएबल चेंज हो रहे वो लगेगा, ठीक है? देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेट सपोज कि तुम्हारे पास ए बॉडी है और एक तुम्हारे पास बी बॉडी है। मैं इसको मान रहा हूँ सिस्टम और मैं इसको मान रहा हूँ सराउंडिंग, ठीक है? ध्यान से सुन लो जो चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक ई रिवर्सिबल है, ठीक है? आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में एक सिस्टम है एक सराउंडिंग है। लेट सपोज कि जो तुम्हारी सराउंडिंग है वो हॉट है और जो तुम्हारी सिस्टम है वो तुम्हारी कोल्ड बॉडी है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तुम चाहो तो इसको हॉट ले सकते हो, इसको कोल्ड ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है। मैं तुम्हें क्या ले रहा हूँ कि इसकी बॉडी हॉट है इसकी ओल्ड है। अब देखो, अब ए है जो ये ओल्ड मतलब कोल्ड बॉडी है, तो ये क्या करेगी, हीट को एक्सेप्ट करेगी, मतलब हीट गेन करेगी, और हीट गेन करेगी तो क्यों क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, राइट और जो तुम्हारी हॉट बॉडी है वो हीट लॉस करेगी, हीट लॉस करेगी तो तुम्हारा क्यों नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो यस होगा कि नहीं होगा। अब देखो तुम्हारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर तुम्हें भी पता है कि जो तुम्हारी हीट होती है वो एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है,
तो अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि इस कोल्ड बॉडी में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि ds कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq by t, राइट और रॉन्ग। इस हॉट बॉडी के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि ds हॉट कितना हो जाएगा, तो तुम बताओगे माइनस के dq by t। अगर मैं ओवरऑल एंट्रोपी चेंज पूछने लगूं टोटल, या मैं कहने लगूं यूनिवर्स का, तुम्हें पता है ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो तुम्हारा सिस्टम प्लस के सराउंडिंग होती है वो पार्ट होती है एक यूनिवर्स का। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगी, तो इक्वल टू क्या होगी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस के डेल्टा एस सराउंडिंग होगी कि नहीं होगी। या मैं सराउंड यूनिवर्स ना लिख के अगर यहाँ टोटल लिख देता हूँ, तब भी तुम्हारी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होगी वही तुम्हारी इसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। तो देखो एस यूनिवर्स या एस टोटल तुम्हारी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, कि डी क्यू बाई टी माइनस के डी क्यू बाई टी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो हमें क्या पता चला कि जब भी तुम्हारा प्रोसेस कोई रिवर्सिबल होगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज आता है वो तुम्हारा जीरो आता है, राइट और रॉन्ग। जो तुम्हारा एंट्रोपी चेंज आता है वो जीरो आता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, स्टेप वाइज बढ़ते हैं। जैसे तुम पूछे टेम्परेचर टी इनिशियल टी फाइनल ग्रेटर हो गया, टी फाइनल टी इनिशियल फिर इक्वल हो गया, फिर इक्वल हो गया, इस तरीके से। तो तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर एंट्रोपी चेंज पूछ लेता है तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। अब देखिए अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम एक स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, और जब एक स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं तो एक बॉडी इसमें हॉट होगी, एक बॉडी कोल्ड होगी, होगी कि नहीं होगी। लेट सपोज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास फिर से ए और बी बॉडी है, अब हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल चल रहा है। जो तुम्हारी ए बॉडी है उसको मैंने मान लिया कि वो टी सी टेम्परेचर पे है, और जो तुम्हारी हॉट बॉडी है वो तुम्हारी टी एच टेम्परेचर पे है। मतलब कि चलो किसी को भी सिस्टम ले लो, किसी को भी सराउंडिंग ले लो, अब मैं क्या ले रहा हूँ कि कोल्ड बॉडी को सराउंडिंग ले रहा हूँ। चलो पहली बार मैंने क्या लिया था, इसको मैं ले रहा हूँ सराउंडिंग, और इसको मैं ले रहा हूँ सिस्टम। चलो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, किसी को भी डिफाइन कर लो, राइट। अब देखो सिस्टम से टेम्परेचर टी एच है, सिस्टम से हीट रिलीज होगी, तो हीट इक्वल टू इसमें कितनी आ जाएगी, माइनस की, क्यों आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसमें से हीट एक्सेप्ट होगी, तो इसके लिए सराउंडिंग के लिए हीट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर मैं एंट्रोपी चेंज देखूं सराउंडिंग के लिए, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एंथैल्पी की फॉर्म में देखूं तो डेल्टा एच अपॉन में टी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। अगर इस हॉट बॉडी के लिए या इस सिस्टम के लिए मैं पूछने लगूँ तो माइनस के क्यू बाई टी एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या इक्वल टू माइनस के डेल एच बाई टी एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज देखूँ डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स के लिए देखूँ, तो हमारे पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, क्यू अपोन में टी सी माइनस के क्यू अपोन में टी एच आएगा कि नहीं आएगा। तो डेल्टा S इज इक्वल टू, अगर मैं Q कॉमन ले लूँ तो टी एच माइनस के टी सी अपॉन में टी एच इंटू टी सी आएगा कि नहीं आएगा। और जब आएगा तुम्हें पता है कि टी एच ग्रेटर देन है टी सी के, तो ओवरऑल जो ये टर्म होगी ये पॉजिटिव आएगी, और Q तुम्हारा पॉजिटिव है ही, तो तुम्हारा जो डेल्टा S इरिवर्सिबल के लिए होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है ऑलवेज, और ये बात सच है। समझ में आया आइसोथर्मली, अरे आइसोथर्मली समझ में आया कि नहीं आया, कि जो तुम्हारा सराउंडिंग है और सिस्टम है वो तो ये होगा, और जो तुम्हारा डेल्टा एस इरिवर्सिबल टोटल कितना आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्लियर है। अब अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि रिवर्सिबली एडियाबेटिकली एंट्रोपी चेंज कितना होगा और इरिवर्सिबली एडियाबेटिक चेंज कितना होगा, बताओ। ये आइसोथर्मली बताया था मैंने तुम्हें, बताओ। पहला अगर मैं तुमसे पूछने लगा रिवर्सिबली एडियाबेटिक,
डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, डेल्टा एस टोटल या मैं कहूं कि डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होगा, बोलो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, जब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट तुम्हारी जीरो होगी, और हीट जीरो होगी, ऊपर से रिवर्सिबल भी है, और तुम्हें पता है कि टोटल रिवर्सिबल में जो चेंज आता है वो जीरो आता है, तो सारी की सारी टर्म इसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर तुमसे एडियाबेटिक इरिवर्सिबल पूछ ले, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में तीनों चीज आएगी कि डेल्टा एस सिस्टम वो क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग वो क्या होगा, और डेल्टा एस टोटल या तुमसे यूनिवर्स पूछ ले वो क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, इसमें जो डेल्टा एस सिस्टम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा, और डेल्टा स्टेट टोटल या सिस्टम भी किसके होगा, डेल्टा एस सिस्टम के इक्वल होगा। अब एक्सप्लेनेशन सुनो, तुम्हारे पास ये सिस्टम है, ये तुम्हारे पास बाहर की सराउंडिंग है। हम हमेशा एंट्रोपी चेंज जो देखते हैं डेल्टा एस का, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब हीट एक्सचेंज होगी तभी तो देख पाएंगे। अरे जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होगी तभी तो हम देख पाएंगे, राइट और रॉन्ग बोलो। अब होता क्या है कि सराउंडिंग के साथ सिस्टम के कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती, और जब सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती तो क्यों इक्वल टू जीरो हो जाता है, और जब क्यों इक्वल टू जीरो है तो तुम्हें पता है कि डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी है। तो मतलब जो टोटल हीट है वो सिस्टम के अंदर ही बनी रहेगी, और वो कुछ ना कुछ तो हीट तो जरूर होगी, ओबियस सी बात है, तो क्यू बाई टी इसमें नॉट इक्वल टू जीरो आता है, और जब नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। और ये बात मैंने अभी भी प्रूव की थी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा जो एंट्रोपी रहेगी, ध्यान रखना, हमेशा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी रहेगी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी, या मैं तुमसे कहूं कि डेल्टा एस इरिवर्सिबल हमेशा ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस रिवर्सिबल से। और यही इक्वेशन थी क्लोसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन की, डी एस ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी, या तो इक्वल टू हो सकती है या ग्रेटर देन हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो रखी, देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यही क्लोसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन थी, या तो इक्वल टू हो सकती है या डी एस ग्रेटर देन हो सकती है, तो दोनों इक्वेशन तुम्हें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा पॉइंट था अब तक का एंट्रोपी का, इससे ज्यादा तुमसे एंट्रोपी में कभी कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है पॉइंट? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुमसे एंट्रोपी में, कभी भी कोई नहीं पूछेगा। चलिए लास्ट टॉपिक डालिए थर्मोडायनेमिक्स का, क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन।